दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में आए दिन अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में जदयू नेता धर्मेंद्र चंद्रवंशी को गोली मार दी है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और यह वारदात पटना जिले के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में घटी है। बताया जाता है कि फुलवारी शरीफ के मित्र मंडल कॉलोनी निवासी जदयू नेता धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी अपने कुछ मित्रों के साथ मित्र मंडल कॉलोनी स्थित जमीन विवाद पर बाउंड्री को देखने गए थे। इसी क्रम में लगभग 5 की संख्या में आए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए जदयू नेता अपनी गाड़ी की तरफ भागे, इसी बीच एक गोली उनके बांह में लगी और वह बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हुए हैं। इस बीच मौके का फायदा उठाते हुए अपराधी पिस्तौल लहराकर वहां से भागने में सफल रहा। जेडीयू नेता ने बताया कि 5 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे थे, जिसमें से ओम गुप्ता, जय गुप्ता और अभिषेक कुमार को वह पहचानते हैं। वहीं घटना के बाद जेडीयू नेता ने इसकी लिखित शिकायत फुलवारी शरीफ थाने में की है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।